गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। आपका बुक नेम है मधुबन। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। का चैप्टर सेकंड था, सेकंड चैप्टर आपका था न्यू की ईंट। ओके स्टूडेंट्स, इस पे हमने आपको कल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे, नोट डाउन कराए थे हमने कुछ 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आपके मैंने नोट डाउन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 हमें, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको नोट डाउन कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है आपका, विदेशी वत्रासुर का क्या तात्पर्य है, वे कौन थे। पूछ रहा है कि विदेशी वत्रासुर का क्या तात्पर्य है और वो कौन थे, उनको उनके बारे में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो विदेशी वत्रासुर का तात्पर्य बाहरी आक्रमणकारियों से है। विदेशी वत्रासुर का तात्पर्य बाहरी आक्रमणकारियों से है, वे मंगोल और अंग्रेज थे। वे कौन थे, वे मंगोल और अंग्रेज थे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश चा 5 हो गया, अब आपका 6 नंबर, आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है। पूछा है कि आज हमारे देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है, तो आज हमारे देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो। आपका ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, जिनको ये ना हो कि मुझे कोई शाबाशी दे, मुझे कोई अच्छा कहे, शाबाशियों से दूर हो, दल बंदियों से अलग हो, जो किस पे झुंड पे चलते हैं, जो एक दल बना करके रहते हैं उनसे अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हो, हमारे देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हूँ, जिनको ये ना हो कि मैं काम करूँ और मुझे अच्छा कहें लोग, शाबाशियों से शाबाशी दें, दूर हूँ, दलबंदियों से अलग हूँ, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, उन्हें ये ना हो कि मुझे कोई अच्छा कहने की उनमें कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हो, ऐसे हमारे देश को नौजवानों की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। क्या कह रहे हैं कि आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है, तो क्यों मची स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आप आगे बता रही हूँ कि इनको क्यों मची हुई है, आपका ये क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि सब स्वयं को सुंदर सृष्टि के समान दिखाना चाहते हैं। कैसा दिखाना चाहते हैं, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि सब स्वयं को सुंदर सृष्टि के समान दिखाना चाहते हैं, सुंदर सृष्टि के समान दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनमें कंगूरा बनने की होड़ मची हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर सेकंड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको कल नोट डाउन कराए थे और 3 क्वेश्चन आज, आपके 7 क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, आप 7 क्वेश्चन कंप्लीट करके और इसकी पिक सभी स्टूडेंट्स मुझे सारा इसकी पिक सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।